हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम करने वाले हैं रिव्यू वीडियो ऑफ द के ब्यूटी हाइड्रेटिंग फाउंडेशन। आई हैव हर्ड सो मच अबाउट इट, फाइनली गॉट माय हैंड्स ऑन टू दिस। सो इफ यू वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस फाउंडेशन, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, के ब्यूटी फाउंडेशन हाइड्रेटिंग फाउंडेशन के मैंने डिटेल मेरे फ़ोन पे निकाल लिया है। लेट मी जस्ट गो थ्रू व्हाट are we expecting out of this foundation. So the first thing that I noticed is this is super hydrating foundation. I have been using like कुछ टाइम तो मैंने इसे यूज़ किया है, सो एज आई हैव सुपर ड्राई स्किन आई कैन टेल यू दैट दिस इज़ अ ग्लोइंग फाउंडेशन। बट आज आप सबके सामने आई एम गोना यूज़ दिस एंड शो यू हाउ हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग इट विल लुक, हाउ स्किन लाइक दिस विल लुक। बट लेट जस्ट गो थ्रू व्हाट द कंपनी क्लेम्स। सो इट कम्स इन 20 डिफरेंट शेड्स, सो शेड के मामले में तो कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए बिकॉज इट कम्स इन 20 डिफरेंट शेड्स। सो दिस इज अ नेचुरल हाइड्रेटेड ड्यूई फिनिश, वी विल चेक दैट आउट। दिस इज लाइट वेट एंड सेकेंड स्किन फील, सो वी विल ऑल्सो सी दैट इफ दैट इज ट्रू। देन इट्स अल्ट्रा क्रीमी लग्जरियस टेक्सचर, विल चेक आउट द टेक्सचर इज वेल। लॉक्स इन मॉइस्चर, ऑल डे कम्फर्ट वेयर, नेचुरल to high buildable coverage, blurs in perfection, perfect for all skin type. All right, तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें तो लिखी हुई हैं यहाँ पे, स्किन टोन्स वगैरह सब कुछ लिया है। सो दे हैव यू नो डीप टोन शेड्स टू टैन शेड्स टू लाइट शेड्स टू मीडियम शेड्स, तो शेड्स की तो प्रॉब्लम नहीं होगी इफ़ यू वॉन्ट टू चेक इट आउट एंड वॉन्ट टू बाई इट। सो दैट्स ऑल अबाउट व्हाट द कंपनी इज क्लेम। दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक, इट्स काइंड ऑफ अ येलोइश काइंड ऑफ अ यू नो ऑल ओवर के ब्यूटी जो उनका नॉर्मल वाला पैकेजिंग है वैसे से ही इसका भी पैकेजिंग है। इट लुक्स नाइस एंड प्रीमियम। दिस फाउंडेशन इज़ फॉर 1299 रुपीज़ वन फाउंडेशन, and I am in the shade 135 and this is a medium shade. So जब मैं use कर रही थी थोड़ा सा मेरे को dark लग रहा था, let's use this today and figure it out. I think camera पर तो ठीक लगेगा। so this is how the packaging is. if you see the bottle, very very nice, आपको इधर से ऊपर से इसका shade समझ आ जाएगा, इसीलिए मैंने ये वाला shade pick up किया था क्योंकि बॉटल के साथ तो मेरा शेड काफ़ी सिमिलर एंड मैचिंग लग रहा था। दिस कम्स विद अ पंप, तो आप अपने हाथ में बहुत ही इजीली इसको पंप आउट कर सकते हो, वन या टू अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। एंड काफ़ी अच्छा पैकेजिंग है, काफ़ी सही लगा, वेरी ट्रैवल फ्रेंडली ऑल्सो, काफ़ी स्लीक सा पैकेजिंग एंड रियली रियली लाइक द पैकेजिंग। And yeah, so let's start with using this foundation and see how this work on my super dry skin. Okay, so I have moisturized my face with the Bobbi Brown vitamin enriched cream. So I have already moisturized my face. Now let's just split some prep and prime fix plus just to prime my face to start my makeup. Okay, so next up, let's just do a little bit of color correction. For that, I'm using my Forever 52, this palette for my color correction. I'm gonna use a very peachy kind of shade to just color correct today. So now that I have done my color correction, I'm gonna just go ahead and apply the foundation. So let's just take it on to my, let's just shake it pehle to, yeah, shaking is done. Now let's just take it on to my hand like this and let's put it all over my face. Now I'm using my beauty blender to blend everything out. Okay, as far as I can see the coverage, it's very very sheer coverage foundation. I will not say this is a medium coverage foundation, this is kind of sheer
लाइट कवरेज फाउंडेशन बिकॉज माई कलर करेक्शन इज एक्चुअली स्टिल शोइंग थ्रू द फाउंडेशन सो आई माइट हैव टू बिल्ड दिस फाउंडेशन अप इज बिकॉज ये तो मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है श्योर काइंड ऑफ लुक दे रहा है एंड आई एम मोर इन टू अ लिटिल बिट मीडियम टू यू नो फुल कवरेज गर्ल So, if you are looking for this kind of coverage, which is light coverage foundation, it does looks like skin. It is not giving me super, coverage. So, this is good for everyday use, I will say. And this did give me, a nice sheen kind of look. So, hydrating is, I can definitely say, yes, it's there. And I'm again taking two pumps and again using it all over because I need a little bit of more coverage. Let's just, blend this up and see how the coverage is now looking. Okay, now I can say it's a medium coverage look. As you can see, it's a little bit better. I like kind of the finish, just giving very very natural glowy kind of look. Texture also I really really like because dry skin mein na patches wagera aa jate hain agar matte finish foundation hai ya thoda thoda difficult hota hai blend karna but this foundation is blending out very very nicely and seamlessly. So this is looking very natural and pretty. Let me just do the rest of my face and I will come back. So guys, I'm back after doing my base makeup. तो थोड़ा सा color correction के बाद मैंने foundation लगाया था उसके बाद मैंने concealer के साथ अपना makeup pack किया है with powder. And then I've applied some liquid blush and some powdered contour and उसी के साथ थोड़ा सा lip oil भी मैंने use किया just to give some kind of color. But I'm kind of liking the finish after doing so much powder. This this base is still looking glowy. Obviously मैंने यहाँ पे थोड़ा liquid blush use किया है. This one from K Beauty again. This is in the shade Rustic Rush. This is one of my favorite blush shade. तो वो मैंने यहाँ पे apply किया है and this goes so well. सारे इसके ऊपर इस foundation के ऊपर जितने भी products मैंने use किए हैं, it looked so nice and natural as you can see. Giving बहुत ही अच्छे से blend भी हो गए हैं सारे products with this foundation at the base. And I'm just gonna spray some Fix Plus again to just keep the foundation and everything melting together. Okay, and where is my fan? Here it goes. And iske baad I have few more shoots to do. So once I am done, it will gonna take some time. उसके बाद हम एक और check लेंगे कि ये foundation finally कैसे दिख रहा है और कैसा टिका हुआ है. So I'm gonna come back with another check of this foundation. And so let me see how this will look. I'm right now just using my fan ताकि मेरा Fix Plus थोड़ा सा settle हो जाए. And then I'm gonna come back with another check. Hey guys, so I am back after 4 hours of shooting today and I am back in my studio though I am here for 4 hours. So abhi aap logo ko dikh raha hoga how pretty this foundation is still looking and it is still going strong and I am absolutely loving the finish. It gave me like after doing a lot of powder and stuff na ab iska like velvety sa texture if you can see. Don't go with the bold eyes that I've created. Wo ek graphic liner ka content hum logon ne shoot kiya hai abhi YouTube ke liye. So ये वाला लुक उसके लिए है. सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट आउट इज वेल. बट दिस फाउंडेशन इज अमेजिंग फॉर ड्राई स्किन. आई विल नॉट रेकमेंड दिस फाउंडेशन फॉर माई ऑयली स्किन गर्लीज बट फॉर ड्राई एंड एक्सट्रीम ड्राई स्किन लाइक मी
they can enjoy this foundation. This is not feeling like me, you know, being a super dry skin person, I am not feeling like it is stretchy or it is drying up on my face and stuff like that. So I am loving the wear of this foundation. I am in love with how this is looking right now on my face. And yeah, I mean, totally worth 1299 rupees, I think. And I am impressed with this foundation. Though aap logo ko thoda sa build up karna padega, jaise ki aap logo ne already dekha hai is video mein. But it's also great because for everyday wear you can wear this. For, you know, events and functions, you can definitely wear this. This will wear very, very nicely. As you can see, my highlighter is highlighting right now, and in love with. Definitely check this foundation out. So guys, that's all about the review today. I hope you like the video. If you do like the video, do give it a like and subscribe to my channel. Do not also forget to check out my Instagram, and you will find a lot of fun content there as well. And do not forget to follow me there as well. So I'll see you from my next video. Till then, bye.